स्टार मेकर पर जो नया अपडेट आया हुआ है, जो अपग्रेड किया गया है स्टार मेकर ऐप को इसी मार्च महीने में, तो उसके इंटरफेस को लेकर के बहुत से लोगों ने मुझसे स्वीटी दे, रॉकी, विद्याधर जी, श्रेयांशी, ये सब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि सर, जो मार्च महीने में जो अपग्रेड किया गया है स्टार मेकर एप्लीकेशन को, उसमें गाने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग के बाद गाने ऊपर नीचे हो रहे हैं, सुर वगैरह, मतलब जो ऑडियो है क्वालिटी सेटिंग्स अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इस बारे में बात करूं। बहुत दिन हो गए हमने अपने चैनल पर स्टार मेकर से रिलेटेड कोई वीडियो दिए भी नहीं हैं। एक तो ये आज 29 मार्च है और आप लोगों को सभी को पता है कि लॉकडाउन है कंट्री में, इसलिए वीडियो वगैरह बनाने का मन नहीं किया पिछले जब से लॉकडाउन हुआ, बल्कि उसके पहले से कोई वीडियो वगैरह बनाने को मन ही नहीं करता है। ये स्टूडियो मैंने बहुत दिनों के बाद आज ओपन करके यहाँ आके बैठा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को मैं स्टार मेकर का जो नया वर्ज़न है उस पर गाने रिकॉर्डिंग करने में जो लोगों को दिक्कत आ रही है उस पर एक फुल वीडियो आपको दे दूँ। तो चलिए देखते हैं। स्टार मेकर के न्यू वर्ज़न में थोड़ा सा इंटरफेस उसका चेंज कर दिया गया है। आइए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि स्टार मेकर के न्यू वर्ज़न पर जब हम कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं तो वो कैसे करके करते हैं। कई लोगों ने कमेंट्स में मेरे को पिछले वीडियोस में लिखा है कि स्टार मेकर के न्यू वर्ज़न में रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत आ रही है, उसमें ऑडियो और म्यूज़िक का जो है तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं कि नए वर्ज़न का इंटरफेस कैसा है, उसमें रिकॉर्डिंग कैसे करके करना है। तो सबसे पहले मैं कोई एक सॉन्ग ले लेता हूँ और उसको गाता हूँ थोड़ा सा। ये सबसे ऊपर लिखा है माना तेरी नज़र में, इसको मैं सिंग पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस हो गया है न्यू वर्ज़न में, अपडेटेड वर्ज़न में ऐसा इंटरफेस हो गया है, जबकि पहले कुछ ऐसा दिखता था। अब इसमें कई लोगों को दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। तो मैं दिखाता हूँ, ये जो सॉन्ग मैंने अभी अभी सेलेक्ट किया है, इसको अभी अगर हम यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ये गोल जो लाल कलर में है, तो सॉन्ग चालू हो जाएगा। पर उसके पहले मैं थोड़ा सा ये चीज़ आपको दिखाऊं कि ये ठीक स्टार्ट बटन के ऊपर जो ये तीन लकीरें दिख रही हैं, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये इफ़ेक्ट्स हैं। मतलब ये जो ऑप्शन है ये इफ़ेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप इफ़ेक्ट्स में जा सकते हैं। अब ये इफ़ेक्ट्स वैसे ही हैं जैसे पुराने वर्ज़न में थे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो मैं जब भी सिंगिंग करता हूँ तो इन नन में रख के करता हूँ, मैं सिंगिंग के टाइम पे कोई भी इफ़ेक्ट इस पर नहीं डालता हूँ। ये मेरा तरीका है, आप अपना तरीका आजमा सकते हैं। बिकॉज़ जब हम सिंगिंग करते हैं तो किसी भी सेटिंग में रख करके हम सिंगिंग करें उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। इफ़ेक्ट तब होता है जब आप उसको पोस्ट करते हैं, पोस्ट करते समय आप किस इफ़ेक्ट में रख करके पोस्ट करते हैं वो मायने रखता है, ठीक है। तो मैं नॉन में रख करके सिंगिंग करूँगा। इसके पहले कि इसको मैं गाऊं, इसके बगल में ये पिच है जैसा पहले था वैसा ही है। इसके बगल में ये वॉल्यूम का ऑप्शन, ये म्यूज़िक का वॉल्यूम है, यहाँ से आप म्यूज़िक के वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हैं, और ये आपका वॉइस का वॉल्यूम है। तो मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ तो अपना वॉल्यूम, वॉइस वॉल्यूम जो है 25 से 30 के आसपास रखता हूँ, और म्यूज़िक वॉल्यूम इतना रखता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा तेज़ ना सुनाई दे। इसके बाद बगल में है माइक्रोफोन, आप कौन सा माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहे हैं ये नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शंस वही सब हैं जैसा पहले था। अब मैं मोबाइल के बैक बटन से इसको बैक करता हूँ। इसके बगल में अब आप देखिए यहाँ पर ये दो माइक जैसे बने हुए हैं। ये है कि अगर आप इसको सिंगल गाना चाह रहे हैं, सोलो सॉन्ग गाना चाह रहे हैं, तो आप सीधे सीधे इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, और अगर आपको ड्यूट सॉन्ग गाना है तो ये बगल में जो माइक के दो पोर्शन बने हैं उस पर क्लिक करना है, तो आप इसको कोलैब के रूप में गा सकते हैं, मतलब मेल पार्ट या फीमेल पार्ट। तो फिलहाल मैं इस सॉन्ग को सोलो गाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको यहीं रखूँगा। अब इसी इंटरफेस पर ऊपर देखिए कोने में ऑफ़ लिखा हुआ है और ये चौकोर सा बना हुआ है। ये वो ऑप्शन है जहाँ से आप वीडियो सॉन्ग गा सकते हैं, मतलब अभी चूंकि वो ऑफ़ है तो आप अभी अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये ऑडियो में रिकॉर्डिंग होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको वीडियो में रिकॉर्डिंग करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा। ये देखिए कैमरा ऑन हो गया। चूंकि मुझको भी ऑडियो सॉन्ग में गाना है तो मैं उसको, उस ऑप्शन को ऑफ ही रहने देता हूँ। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। इसके पहले एक बार फिर देखता हूँ, ये नन में इफ़ेक्ट है, वॉल्यूम हमारा इतना है, माइक्रोफोन हमने नॉर्मल वाला इस्तेमाल किया है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इसको मैंने पॉज कर लिया अभी।
अभी इधर राइट हैंड में साइड में देखिए, हेडफोन जैसा दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन होता है वॉइस बैक टू हेडफोन का। इसको अगर आप इनेबल कर देंगे ऐसा, जैसे मैंने कर दिया, ये सफ़ेद देखिए बिल्कुल पोर्शन उसका सफ़ेद हो गया पूरा चारों तरफ से, तो आप जो कुछ भी गाएंगे वो आपको अपनी ही आवाज़ आपके कानों में सुनाई देगी, एयरफोन के द्वारा या हेडफोन के द्वारा, जिसको भी आप लगा करके गाना गा रहे हैं। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि गाना गाते समय अगर म्यूज़िक के साथ साथ मुझे मेरी ही आवाज़ खुद सुनाई देगी तो उसमें सिंगिंग करने में दिक्कत आती है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। माना तेरी नजर में तेरा प्यार हम नहीं। इसको मैं अभी रोक लेता हूँ और इसको आगे स्क्रॉल कर देता हूँ। ये मानिए कि मैंने पूरा ये एक सॉन्ग गा लिया है, ठीक है। अब इसको एंड होने देते हैं। एंड होते ही ये सॉन्ग प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए, पहले के वर्जन में भी ऐसे ही होता था, जब आपका आपकी रिकॉर्डिंग ख़त्म होती थी तो ऑटोमेटिकली सॉन्ग प्ले होता था। इसमें भी वैसा ही हो रहा है, बस केवल इसका इंटरफेस चेंज है, इसके डिज़ाइन चेंज है। ये जो ही चालू हुआ, प्ले ऑटो प्ले हुआ, तो मैंने ऊपर से भी जो एक लकीर बनी हुई है सीधी, और उसके बगल में देखिए प्ले का बटन है, यहाँ से मैंने इसको पॉज कर दिया। अभी मेरे को नहीं सुनना है, पहले आप लोगों से बात कर लूँ फिर सुनता हूँ। अब देखिए, ये सॉन्ग मैंने मान लीजिए कि पूरा का पूरा गाया। अब यहाँ पर बीच में ये नीचे व्हाट्स ऑन योर माइंड, यहाँ पर आप अपना वो डिटेल्स लिख सकते हैं या वो कमेंट लिख सकते हैं जो नॉर्मली हम लोग पहले सिंगिंग करने के बाद लिखा करते थे, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, ये सब जो हम अपील करते थे अपने दर्शकों से, वो आप यहाँ लिख सकते हैं डिटेल में। ये यहाँ पर आप अगर लिखने जाएंगे तो ये लिखने का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद ये नीचे देखिए कवर लिखा हुआ है कोने में, यहाँ से आप टेक ए फोटो, आप एक फ़ोटो ले सकते हैं अगर चाहें तो, इस पर क्लिक करके, तो अभी आपका करंट फ़ोटो आ जाएगा जो आपके सॉन्ग का थंबनेल बन जाएगा। या फिर चूज़ फ्रॉम फ़ोटो, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो फ़ोटोज़ हैं, गैलरी है, वहाँ से आप कोई भी फ़ोटो को चूज़ कर सकते हैं। या फिर स्लाइड शो, यहाँ से आप उन फ़ोटो को चूज़ कर सकते हैं जो आपने अपने स्टार मेकर के प्रोफाइल में सेव कर रखे हैं। तो जहाँ से भी आपको फ़ोटो लगाना हो सॉन्ग के थंबनेल के रूप में, आप वहाँ से फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब सबसे मेन पार्ट होता है, यह है जो नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है एफ़ेक्ट्स, वही एफ़ेक्ट्स के सिंबल यहाँ आ गए हैं जब आप रिकॉर्डिंग करने से पहले देख रहे थे। अब देखिए, आपने जिस एफ़ेक्ट में भी गाना गाया है, जिसमें भी रख करके आपने रिकॉर्डिंग करी है, वो अब भूल जाइए। अब आप यहाँ से आपको जिस एफ़ेक्ट में इस गाने को पोस्ट करना है उस एफ़ेक्ट में अब सेलेक्ट करिए आप। अब मैं यहाँ से करूँगा सेलेक्ट कस्टम। चलिए, मैंने जो नन में किया है, मैं पहले उस सॉन्ग को सुना देता हूँ आपको जो मैंने नन में रख करके किया था, वो उसमें आवाज़ कैसी थी, और अब मैं फिर कस्टम में करके आपके सुनाता हूँ। माना तेरी नजर में ये नन में मेरी आपने आवाज़ सुनी जो रिकॉर्डिंग हुई है। इसके बाद मैं इसको कस्टम में प्ले करता हूँ और पोस्ट भी कस्टम में ही करूँगा। तो कस्टम में मैं हमेशा लगभग इतना रखता हूँ जो आपको ये सेटिंग दिख रही है, रिवर्ब 76 to 80 के आसपास, और उससे थोड़ा कम मैं रूम साइज़ रखता हूँ। ये रखने के बाद आप नीचे ये जो राइट का निशान है ना, इसको क्लिक करना मत भूलिएगा कोने में। ये अब कस्टम के रूप में ये सॉन्ग आपने सेलेक्ट किया। इसके बाद इसके बगल में नीचे आता है ये इक्वलाइज़र। मैं इक्वलाइज़र को हाथ नहीं लगाता हूँ अपनी रिकॉर्डिंग में, आप लोग हाथ लगाते हैं, कई लोग कई प्रकार के इक्वलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें अलग अलग इफेक्ट दिए हुए हैं जिस कारण से सॉन्ग सबसे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं आज आज के डेट पर। मैं अगर इस्तेमाल करता भी हूँ तो केवल इस बास को इस्तेमाल करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई भी इक्वलाइज़र इस्तेमाल नहीं करता। जैसा इक्वलाइज़र आने से पहले मैं रिकॉर्डिंग करता था, मैं वैसे ही रिकॉर्डिंग करता हूँ बिना इक्वलाइज़र के, ठीक है। तो मैं अब भी इक्वलाइज़र इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आता है वॉल्यूम। अब जब मैंने रिकॉर्डिंग करी थी तो वॉल्यूम लगभग यहाँ पर रख करके मैंने करी थी, अब इसको मैं फुल कर देता हूँ यहाँ से 100%, और म्यूज़िक मैं उतना रखूँगा जितना मेरी वॉइस के साथ म्यूज़िक सुनने में अच्छा लगे।
ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ही ज़्यादा म्यूज़िक कम हो। अब मैं प्ले करके सुनूंगा इस सॉन्ग को। माना तेरी नजर में तेरा प्यार हम तो अभी आपने सुना, मैंने अपने सॉन्ग को पहले भी आपको सुनाया बिना इफेक्ट के, और अब कस्टम इफेक्ट में रख करके मैंने उसी सॉन्ग को आपको सुनाया, परिवर्तन सुनाई दिया होगा आपको। तो ये हुआ इफेक्ट जिसमें हमने वॉल्यूम भी लगभग इतना रखा कि म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो और मेरी आवाज़ भी अच्छी सुनाई दे रही हो, म्यूजिक के साथ सेट हो जाए। इसके बाद यहाँ आता है माइक्रोफोन। आपने जिस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया है, ऑर्डिनरी हेडफोन्स हम कर रहे हैं तो हमने ऑर्डिनरी रखा। अगर आपके पास वोकल मास्टर या ये जो बगल में लिखा हुआ है इको माइक साइक है तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन आता है एडजस्टमेंट। बहुत सारे लोग अभी भी एडजस्टमेंट को लेकर के कई प्रकार के सवाल करते हैं। मेरे चैनल में ऑलरेडी है दो बार, दो तीन वीडियोज़ में मैंने एडजस्टमेंट के बारे में बोला है, कि स्पेशली एडजस्टमेंट को लेकर के भी मैंने वीडियो बनाए हैं। चलिए इसमें भी मैं बता देता हूँ कैसे करना पड़ता है एडजस्टमेंट। जैसे मैंने अभी ये गाना रिकॉर्ड किया है तो मैं अगर चाहूँ तो अभी ऑटो एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, और आप अगर रेगुलर एक ही एयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार ही आपको उस एयरफोन को एडजस्ट करना पड़ेगा, एयरफोन का जो माइक है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसके लिए आप क्या करें, इस ऑटो एडजस्टमेंट पर ये जो लिखा है लाल कलर से, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये बोलेगा डिटरमाइन, और उसके ऊपर देखिए कुछ लिखा हुआ है प्लीज़ पुल आउट योर हेडफोन फर्स्ट। तो आपको करना इतना पड़ेगा कि आप हेडफोन को आप अभी रिमूव करेंगे और फिर डिटरमाइन पर क्लिक करेंगे तो कुछ बीप की आवाज़ आएगी, 15 सेकंड तक आपको रुकना है। और ये सब जब आप करेंगे तो आपको एक शांत कमरे में बैठना है, कहीं जहाँ बैठ करके आपने रिकॉर्डिंग करी है वहाँ पे माहौल बिल्कुल शांत हो, किसी प्रकार की कोई बाहर से आवाज़ ना आ रही हो। हो गया आपका ऑटो एडजस्टमेंट, फिर आप दोबारा लगाइए एयरफोन को मोबाइल में और अपना गाना सुनिए। इससे क्या होता है कि ये जो आपके एयरफोन की जो केबल है उसकी जो लेंथ है वो एडजस्ट हो जाता है, तो आपकी वॉइस और म्यूज़िक लगभग लगभग जब भी आप गाना गाएंगे तो सेट होकर के बैठेगा, नहीं तो अक्सर आगे पीछे हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है। अब आप देखिए ये बगल में लिखा हुआ है पोस्ट, तो या तो मैं पोस्ट कर दूँ तो सीधा कवर में जा करके ये सॉन्ग आपका बैठ जाएगा, या फिर एक तरीका है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में भेजने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप अपने मोबाइल का जो बैक बटन है उस पर क्लिक करें, तो मैं एक काम करता हूँ अपने मोबाइल से बैक करता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है सेव ड्राफ्ट, तो अगर मैं ऊपर वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा तो ड्राफ्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट करना तो ये फिर से रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो जाएगा ये ट्रैक, और फिर से बोलेगा रिकॉर्डिंग करने के लिए, या फिर एग्जिट, या फिर सबसे ऊपर कोने में देखिए ये उल्टा करके एक तीर का निशान बना हुआ है, वहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये सॉन्ग सीधे ड्राफ्ट में जा करके सेव हो जाएगा। ये मैंने ड्राफ्ट में इस सॉन्ग को रख लिया। अब आप देखिए मैं ड्राफ्ट में जाता हूँ, ये ड्राफ्ट में ये सॉन्ग आ चुका। अब ड्राफ्ट में आज के डेट पे एक ऑप्शन और अच्छा दिया है, जिस पर मैंने इस पिछला वीडियो दिया है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ड्राफ्ट में कैसे एडिट करते हैं। अब इसको पोस्ट करने से पहले अगर आप इस ड्राफ्ट में रखे हुए सॉन्ग को ओपन करेंगे तो ये देखिए उन्हीं सब इफेक्ट्स के साथ फिर से वो सॉन्ग आपके सामने है, रिकॉर्डिंग करने के बाद जैसा दिख रहा था। अब यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हो रही है लोगों से। जब आप किसी सॉन्ग को गा करके कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह दे करके म्यूज़िक व्यूज़िक सब सेट करके आप ड्राफ्ट में रख देते हैं, उसके बाद उसके समस्त इफ़ेक्ट्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, इतना याद रखिएगा। लोगों से यही गलतियाँ हो रही हैं, वो इफ़ेक्ट्स फिर इफ़ेक्टिव नहीं रहते हैं। अगर आप सीधे उसको पोस्ट कर देते हैं रिकॉर्डिंग के बाद तो हो गया सही, और अगर आपने ड्राफ्ट में रख दिया और ड्राफ्ट से एडिट ना करके सीधे सीधे आपने पोस्ट कर दिया तो बिना इफेक्ट के गाना आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए ड्राफ्ट में अगर कोई सॉन्ग रखा हुआ है तो उसको सबसे पहले आप प्ले करिए, प्ले करके फिर से इफेक्ट्स दीजिए, ये कस्टम वगैरह जो आप देना चाहें, ये वॉल्यूम वगैरह, ये अगर आप दोबारा आप यहाँ पे कम से कम एक बार सेटिंग नहीं करेंगे, प्ले नहीं करेंगे तो जो है आपके सॉन्ग से वो इफेक्ट्स गायब हो सकते हैं। अब आप यहाँ से इसको पोस्ट कर दें। बस स्टार मेकर के न्यू वर्जन में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप हमको कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो में कि मैंने जो अभी बताया है आप लोगों को बातें समझ में आई कि नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो स्टार मेकर का न्यू वर्ज़न है, न्यू अपडेटेड वर्ज़न है, उसमें रिकॉर्डिंग की प्रोसीजर सेम है, सब कुछ वही है, केवल उन्होंने एक अच्छी चीज़ दी है उसमें कि ड्रॉप्ड में रखने के बाद भी आप उसको फिर थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं, उसमें इफेक्ट्स वगैरह चेंजेस कर सकते हैं, वॉल्यूम वगैरह जो पहले नहीं था, वो ये एक एक्स्ट्रा फीचर उन्होंने अच्छा दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।